Destop! 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 Run! देव की हत्या किसने की? पॉलिटिक्स भारती, इस देश में पॉलिटिक्स ही सबसे बड़ा हत्यारा है। देव को किसने मारा तेज? जानकारी मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा भारती। मुझे एकांत चाहिए तेज, तुम जाओ। साहब की कुछ चीजें भेजनी है मुझे, शाम को मेरे घर आ जाना। बात बताओ देव, वैसे इतना तो मैं जानता हूं कि तुम कभी कभी बहुत भावुक हो जाते हो, इमोशनल मिजाज है तुम्हारा, लेकिन ये क्या किया तुमने है? दगाबाज लोगों से मोहब्बत कर ली, उनकी करतूतों को भूलकर उन्हें अपने घर में पनाह दी, गले से लगाए, अपने फोर्स को बेइज्जत किया है तुमने, नाइंसाफी की है तुमने हमारे अपने अरमान के साथ, तुमने अपने सब हक खो दिए, सभी हक, वर्दी पहनने का हक, इस मुल्क की सेवा करने का हक, पुलिस में रहने का हक,
अपने अरमान को याद करने का हक, मुझसे दोस्ती का हक। हाँ, मुझसे दोस्ती का हक, तुम्हारे अपने तेजिंदर खोसला के साथ दोस्ती का हक। खो दिया, सब कुछ खो दिया तुमने देव, सब कुछ, सब हक खो दिया। अब तो तुम्हें यहां बैठने का भी हक नहीं है देव। जाओ, चले जाओ। Let's go. Go, Dave. तुम अभी तक यहीं बैठे? जाओ देव, तुम्हें यहां नहीं रहना है। You are not welcome here anymore. Just get up and go. मैं नहीं जानता तुम्हें और जानना चाहता भी नहीं। चले जाओ मेरी जिंदगी से। Get up and go, you bastard! आओ फरहान, आओ। थैंक यू। आपने मुझे, हाँ, बुलाए। कम ऑन, हैव अ ड्रिंक। नो थैंक यू, मैं पीता नहीं। देव से तुम्हारा क्या रिश्ता था? देव साहब से मेरा रिश्ता, वो मेरे रूहानी पिता थे। आप नहीं समझ पाएंगे। खुद को बेटा जताकर तुम अरमान की जगह लेना चाहते हो? मेरे अरमान की? देव साहब का अरमान, देव साहब जिसकी आपने हत्या की है। फरहान अली, आपके दोस्त, आपके निहायत करीबी दोस्त जिसको आपने गोली मार दी। तुम समझते हो फरहान अली कि बहुत बड़ा बोझ है तुम्हारे कंधों पर देव के निधन के बाद। निधन नहीं, कत्ल का ही है। उनका कत्ल हुआ। आप देव साहब की कुछ चीजें देने वाले थे। रूहानी पिता, पिता था तुम्हारा देव। फरहान अली, मेरे पास देव की कोई चीज नहीं है। फरहान, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। भारती जी, ये फर्ज है मेरा। हमारा फरहान, हमारा फर्ज है कि देव साहब के इस विश्वास को कायम रखें कि फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। Thank you.
मुद्दा ये नहीं है कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, मुद्दा ये भी नहीं है कि मैं जीऊंगा या मार दिया जाऊंगा। मुद्दा यह है, ये एक पुलिस अफसर होने के नाते मेरा जो फर्ज है उसे मैं ईमानदारी से निभा रहा हूं या नहीं। एक इंसान होने के नाते सत्य के लिए, सत्य की विजय के लिए मैं लड़ रहा हूं या नहीं। सामने विजय हो या पराजय, योद्धा का धर्म है लड़ना आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक लड़ना। सत्य और इंसाफ के लिए सतत संघर्ष करते रहना।